दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाने जा रहा है कार वॉशिंग पंप एंड मोटर के बारे में। सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप अच्छा वाला कार वॉशिंग पंप एंड मोटर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरी की पूरी देखिए। कार वॉशिंग पंप एंड मोटर वो दो प्रकार की होती है, एक कमर्शियल एक पोर्टेबल। तो कमर्शियल क्या होता है, जैसे कि आपका कोई शॉप है, आप बिजनेस में लगा सकता है कमर्शियल पंप एंड मोटर को। और पोर्टेबल ये होता है कि खुद अपना गाड़ी धोने के लिए जो मशीन होता है वो पोर्टेबल होता है, उसको उठा के कहीं भी लेके जा सकता है, ऐसा होता है पोर्टेबल। तो पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो कमर्शियल कार वॉशर है उसके बारे में आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप लो बजट में कार वॉशिंग बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो देखते रहिए। सो दोस्तों, लाइफ टाइम मोटर चलने वाला आपको चाहिए तो आपको लेना है 1440 RPM का मोटर। हाँ, 1440 RPM का मोटर, और मोटर होना चाहिए 3 HP का, और पंप लेना है 3 पिस्टन का, 3 पिस्टन का पंप और 1440 RPM का मोटर। और हाँ, अगर आपके पास STP पंप होगा तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि STP पंप से फोम भी निकल जाएगा। तो STP लेना है, STP पंप लेना है 50 नंबर, और मोटर लेना है आपको 3 HP का मोटर विथ 1440 RPM का। ये जो 1440 RPM का मोटर है 3 HP कमर्शियल, ये बहुत ही बढ़िया होगा, और मेरे ख्याल से STP 50 नंबर इसका बहुत बढ़िया होगा। पंप आप जो कोई भी ले सकता है 3 पिस्टन, लेकिन 3 HP का होना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए, आइए हम लोग देखते हैं। मेरे पास एक पंप है और मोटर है, तो उसी के बारे में कुछ आप लोगों को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये है 3 HP का मोटर और 3 पिस्टन का पंप। तो ये देखिए पंप, इसका जो सेटिंग में कर दिया। तो दोस्तों, ये जो मोटर है ये है 1440 RPM का, आप लोग खुद देख लीजिए। इधर RPM दिखाई दे रहा है, इधर देखिए, इधर इधर ये साइड में, इधर 1440 RPM पहले लिखा हुआ है RPM। और अभी रही बात की पंप की, तो पंप मेरे से पहले से परा हुआ था। ये पानी का प्रेशर है, लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, और ये पाइप है, और ये पानी का लॉक है। ये लॉक कर देने से, ये खोल देने से पानी आएगा, फिर पानी चला जाएगा, मतलब पानी बंद हो जाएगा। ये टैंक से डायरेक्ट लेके आया, और ये मैं इधर कुछ NCB वगैरह लगा लिया। अभी देखिए, देखिए मेरा फिटिंग। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जो पंप है आप जो कोई भी लगा सकता है, लेकिन ये STP 50 नंबर पंप बहुत परफेक्ट होगा, लॉन्ग टाइम चलने वाला है, क्योंकि इसको मैं चेंज करने वाला है। मेरे पास बहुत दिन से पड़ा हुआ है, ये चेक करने के लिए लगा हुआ है। तो वीडियो में बने रहिए। और ये जो पाइप है ये बहुत ही बढ़िया है, और पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो ये जो गन है ये सिर्फ मैं एक दिन के लिए लगा हुआ है, तो इसको भी चेंज करने वाले वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आपको लेना है वो वाला गन, जैसे कि आपका फोम भी STP पंप से निकल जाएगा। ये जो 1440 RPM का मोटर है 3 HP कमर्शियल, ये बहुत ही बढ़िया होगा, और मेरे ख्याल से STP 50 नंबर इसका बहुत बढ़िया होगा। पंप आप जो कोई भी ले सकता है 3 पिस्टन, लेकिन 3 HP का होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।